हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आप फोटोशॉप में किसी फोटो को एडिट करना चाहते हो और उसमें आपको किसी के फोटो में फेस में स्पॉट है तो उसको आप रिमूव करना चाहते हो, आप किस तरह से उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको फोटोशॉप को ओपन करना है, तो स्टार्ट में जाना है ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ से मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाके आप न्यू पेज ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको न्यू पेज लेना है, लेने के बाद आप यहाँ से प्रीसेट साइज जो है इसको आप A4 कर दीजिए और फिर ओके। फिर आपको जो भी फ़ोटो को क्लीन करना है उस फोटो को लेना है, तो फाइल में जाके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और आपका जहाँ पे भी फ़ोटो है तो उसको आप क्लिक करके फिर ओपन कर दीजिए। तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको ये जो मूव टूल है इसको क्लिक करके इस फ़ोटो को यहाँ पर मूव करना है और फिर मेन फ़ोटो को आपको क्लोज़ कर देना है। और इसके बाद इस फोटो को आपको सिलेक्ट करके आपको इसका साइज़ बढ़ाना है, फिर एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जितना भी स्पॉट है इसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा एक पैच टूल, तो ये आप पैच टूल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जो भी स्पॉट है उसको इस तरह से मार्क करना है आपको सर्कल बना के, और इसको यहाँ से मूव करके दूसरे जगह पे लेके जाना है। फिर से जितना भी स्पॉट है इसको अलग अलग करके आप इस तरह से मार्क करके आप दूसरे क्लीन सरफेस पे आपको लेके जाना है। इसी तरह से आप सब स्पॉट को आप मार्क करना है और इसको अलग जगह पे मूव करना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फोटो क्लीन हो गया। तो कोई भी स्पॉट हो इस तरह से आप किसी भी फोटो का जो जितना भी दाग है स्पॉट है आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं ये जो पैच टूल यूज़ करके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।